नमस्कार, डीडी क्विज शो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कुछ नए सवाल नई टीम्स के साथ। और आज जो टीम्स इस शो पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आई हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावक से। बिना समय गंवाए आइए आपका तारुफ करवाते हैं इन टीम्स से। टीमें, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष शर्मा, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावक एंड स्टडिंग इन प्लस टू क्लास। माई सेल्फ अजय ठाकुर, आई रीड इन प्लस टू क्लास, आई एम from Government Senior Secondary School चनावक। थैंक यू। आइए अब आपको मिलवाते हैं टीम बी से। टीम बी, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वंदना ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावक, आई एम स्टडिंग इन प्लस टू क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लज्जा शर्मा, आई रीड इन प्लस टू क्लास, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावक। और फाइनली टीम सी में हमारे साथ कौन है, आइए उनसे मिलते हैं। हेलो, माई सेल्फ मोना शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावक, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। थैंक यू। आई एम रुचिका शर्मा, आई स्टडी इन 10th क्लास, आई एम फ्रॉम JSS चनावक। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है इस शो पर। और ये शो हम स्टार्ट करें, हम दोहराना चाहेंगे यहाँ पर इस शो के कुछ रूल्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस शो पर हमारे पास होते हैं 4 राउंड्स, जिनमें शामिल होते हैं करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, GK और एंटरटेनमेंट। हर एक राउंड में आपसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल और हर एक सही जवाब पर आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। याद रखिए, राउंड 4 जो कि रहता है हमारा एंटरटेनमेंट का राउंड, वो होता है फुल्ली बजर राउंड, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में होते हैं। और अगर आप बजर प्रेस करने के बाद दे देते हैं गलत जवाब, तो टोटल पॉइंट्स में से हो जाएंगे आपके -50। तो अगर आपको ये शो के रूल्स समझ आ गए हैं कि हम ये शो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. चलिए आगाज करते हैं इस शो का राउंड 1 यानी करंट अफेयर्स के राउंड के साथ। और पहला सवाल टीम ए से। टीम ए, आपका सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। छत्तीसगढ़। श्योर है? टीम ए, आपने पहले ही मौका दे दिया टीम बी को 50 बोनस पॉइंट जीतने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, चलते हैं टीम बी के पास। टीम बी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर, आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट्स। वेल डन। और हमारा सवाल 100 पॉइंट्स के लिए जाता है टीम बी के पास। टीम बी, गौर से सुनिए, भारत की सहमति से किस देश में सारनाथ से बौद्ध स्मृति चिन्हों को ले जाया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी चाइना, सी जापान या फिर डी भूटान। श्रीलंका। श्योर है? यस मैम। श्योर है तो आंसर कैसे गलत होगा? 100 पॉइंट्स आपके, वेल डन। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है, कोलंबो के टेंपल ट्रीज में लोगों के दर्शनों के लिए 4 दिनों तक बौद्ध स्मृति चिन्हों को रखा गया है बेसाक फेस्टिवल में, जो कि शुरू हुआ था 28 अप्रैल से। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और चलते हैं टीम सी के पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टीम सी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नेता हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सतपाल शर्मा, बी कविंद्र गुप्ता, सी सुनील शर्मा या फिर डी राजीव जसरोटिया। बी कविंद्र गुप्ता। श्योर? यस मैम। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके, वेल डन। 30 अप्रैल को कविंद्र गुप्ता ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ली जम्मू कश्मीर के, और राज्यपाल NN वोहरा ने उन्हें शपथ दिलाई। खैर, एक बार फिर से हम चलते हैं टीम ए के पास और अब देखते हैं कि हमें इस सवाल का जवाब टीम ए से मिलता है या नहीं और वो 100 पॉइंट्स जीतते हैं या नहीं। खैर, टीम ए, आपका सवाल है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल या फिर डी 20 अप्रैल। 16 अप्रैल। अनफॉर्चुनेटली टीम ए, ये सही जवाब नहीं है। और एक बार फिर मौका टीम बी को 50 बोनस पॉइंट्स जीतने का। टीम बी, व्हाट्स योर आंसर?
18 अप्रैल राइट आंसर आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट वेल डन इस दिन को दुनिया भर की ऐतिहासिक और प्राचीन इमारतों के लिए खास माना जाता है फिलहाल विश्व भर की अगर हम बात करें तो यहाँ 1052 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से भारत में कुल 35 हैं। यहाँ कुल 27 सांस्कृतिक 8 प्राकृतिक और एक मिश्रित धरोहर है इसी के साथ एक बार फिर चलते हैं टीम बी के पास और टीम बी के लिए अब हमारा सवाल है पॉस्को एक्ट किससे संबंधित है ऑप्शन ए बच्चों के संरक्षण से बी सेना के विशेषाधिकार से सी वन्य जीव संरक्षण से या फिर डी माओवादियों को दंडित करने से बच्चों के संरक्षण से श्योर यस मैम श्योर है तो 100 पॉइंट्स बिल्कुल बनते हैं आपके वेल डन अब चलिए चलते हैं इस राउंड के लास्ट क्वेश्चन के साथ टीम सी के पास टीम सी आपका सवाल है छठे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम 2018 का आयोजन कहां किया गया है ऑप्शन ए यूएई बी न्यू दिल्ली सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी ईरान न्यू दिल्ली चूक गया और आपने मौका दिया इस गलत जवाब के साथ टीम ए को 50 बोनस पॉइंट जीतने का ऑस्ट्रेलिया इसमें भी आप चूक गए टीम ए कोई बात नहीं और ये मौका जाता है टीम बी के पास 25 बोनस पॉइंट्स लेकर टीम बी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बाकी हैं ऑप्शन ए यूएई या फिर ऑप्शन डी ईरान यूएई नो ये भी इसका सही जवाब नहीं है इसका सही जवाब है ईरान 23 से 25 अप्रैल तक ईरान द्वारा तेहरान में किया गया और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने इस समारोह में 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया और इसी सवाल के साथ राउंड वन यानी करंट अफेयर्स का राउंड होता है यहीं पर खत्म और आइए देखते हैं किस टीम ने इस राउंड में कितने स्कोर्स जीते हैं अब तक टीम ए फिलहाल कोई भी स्कोर नहीं जीत पाई है राउंड वन में और टीम बी है 300 पॉइंट्स पर सबसे आगे टीम सी है 100 पॉइंट्स पर कोई बात नहीं टीम ए और अभी हमारे पास राउंड्स और भी बाकी हैं धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि आप बाकी के राउंड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आगे बढ़ेंगे और अब हम आ चुके हैं राउंड टू में जो है स्पोर्ट्स राउंड गौर से सुनना है आपने सवाल और देना है जवाब सवाल है आपका ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं ऑप्शन ए गोल्फ बी कबड्डी सी हॉकी या फिर डी फुटबॉल गोल्फ राइट आंसर 100 पॉइंट्स आपके वेल डन टीम ए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ अगला सवाल लेकर सवाल है पिचो टर्म किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए गोल्फ बी बेसबॉल सी बैडमिंटन या फिर डी हॉकी बेसबॉल राइट आंसर 100 पॉइंट्स आपके टीम बी टीम सी 2017-18 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है ऑप्शन ए विराट कोहली बी स्टीव स्मिथ सी डेविड वार्नर या फिर डी जो रूट सी डेविड डेविड वार्नर यस नो माय डियर ये सही जवाब नहीं है और आपने मौका दिया एक बार फिर टीम ए को 50 बोनस पॉइंट जीतने का ऑप्शन ए विराट कोहली नो माय डियर ये भी इसका सही जवाब नहीं है 25 बोनस पॉइंट्स के साथ ये सवाल जाता है टीम बी के पास टीम बी ऑप्शन डी जी नहीं और इसका सही जवाब है स्टीव स्मिथ कोई बात नहीं और अभी सवाल और भी बाकी हैं हमारे पास इस राउंड के तहत और एक बार फिर चलते हैं टीम ए के पास नया सवाल लेकर टीम ए आपका सवाल है कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ
खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अनीश भानवाल, बी मणिका बत्रा, सी ली चेंगबेई या फिर डी डेविड लेते। ऑप्शन डी। राइट आंसर, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। टीम बी से हमारा सवाल है, ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 के खिताब पर जीत दर्ज करने वाली टीम है। ऑप्शन ए बार्सिलोना, बी स्पेन, सी अर्जेंटीना या फिर डी डिपोर्टिवा ला कोरुवाना। ऑप्शन ए बार्सिलोना। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपकी टीम बी। चलते हैं टीम सी के पास। टीम सी, आपका सवाल आ रहा है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। 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 हॉकी इसका सही जवाब नहीं है और इसके साथ ये सवाल जाता है टीम ए के पास 50 बोनस पॉइंट लेके। टीम ए, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल। वॉलीबॉल। ये भी सही जवाब नहीं है टीम ए, और आपने भी ये बोनस पॉइंट जीतने का मौका दिया टीम बी को। लेट्स फाइंड आउट टीम बी का क्या जवाब है। फुटबॉल भी इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है क्रिकेट। ये चैंपियनशिप हर साल होती है और ये इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट है। 1935 से ये स्टार्ट हुई है और आर्देशीर दादा भाई बारिया के बेटे रोहिंटन की याद में ये ट्रॉफी हर साल ये टूर्नामेंट होता है। इसी के साथ राउंड टू होता है यहीं पर खत्म, और राउंड टू के एंड होते होते कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स जीते हैं, लेट्स फाइंड आउट। टीम ए है 200 पॉइंट्स पर, टीम बी है सबसे आगे 500 पॉइंट्स पर, और टीम सी थोड़ा सा पीछे चल रही है, 100 पॉइंट्स पर है टीम सी। और अब हम आप पहुंचे हैं राउंड थ्री में, जो है जनरल नॉलेज का राउंड, आओ जाने अपना हिमाचल। और पहला सवाल हर बार की तरह टीम ए से। टीम ए, आपका सवाल है, पझौता आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबा, बी सिरमौर, सी कुनिहार, डी कांगड़ा। कांगड़ा। कांगड़ा इसका सही जवाब नहीं है टीम ए, डोंट वरी। और ये सवाल जाता है टीम बी के पास 50 बोनस पॉइंट लेकर। सिरमौर। श्योर है? यस मैम। सही जवाब, 50 बोनस पॉइंट आपके टीम बी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन शासक ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए जब जबरन भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी तो किसान सभा ने इसका विरोध किया था, इसे ही पझौता आंदोलन कहा गया। खैर, अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। टीम बी से हमारा सवाल है, मछयाल और पराशर झील किस जिले की प्रसिद्ध झीलें हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, बी मंडी, सी कुल्लू या फिर डी कांगड़ा। मंडी। राइट आंसर, ये दोनों झीलें मंडी में हैं और आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। टीम सी से हमारा सवाल है, टीम सी, भक्सुनाग और रॉक कट टेम्पल किस जिले में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी ऊना या फिर डी कुल्लू। कांगड़ा। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके भी। टीम ए से हमारा सवाल, गौर से सुनिएगा, 100 पॉइंट्स के लिए सवाल है। टीम ए, गिरिपड़ी और गिरिबरी उप बोलियां कहां बोली जाती हैं? ए किन्नौर, बी सोलन, सी सिरमौर या फिर डी मंडी। ऑप्शन ए किन्नौर। किन्नौर इसका सही जवाब नहीं है टीम ए, और ये सवाल जाता है टीम बी के पास एक बार फिर 50 बोनस पॉइंट्स लेकर। सिरमौर। राइट आंसर, 50 बोनस पॉइंट आपके। और हमारा सवाल टीम बी से आ रहा है अब 100 पॉइंट्स लेकर, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है? ए नाहन, बी सोलन,
सी धर्मशाला या फिर डी हमीरपुर? सोलन। राइट आंसर, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। 1959 में सोलन माल रोड पर इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई और भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में एक ऐसा नाम जिसे सदियों तक जमाना याद रखेगा। खैर, टीम सी से हमारा सवाल है 100 पॉइंट्स के लिए, किन्नर देश और हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राहुल संकृत्यानंद, बी एम एस रंधावा, सी एल सी पार्थी या फिर डी जगमोहन बलोखरा। ऑप्शन ए। श्योर है? यस मिस। 100 पॉइंट्स आपकी टीम सी, वेल डन। और इसी के साथ राउंड थ्री यानी जनरल नॉलेज का राउंड होता है यहीं पर खत्म। और क्या है अब तक के स्कोर्स? और राउंड थ्री के बाद टीम ए है 200 पॉइंट्स पर, टीम बी है 800 पॉइंट्स पर और टीम सी है 300 पॉइंट्स पर। और अब हम आप पहुंचे हैं सबसे एंटरटेनिंग राउंड, एंटरटेनमेंट राउंड पर, जो है इस शो का लास्ट राउंड, राउंड फोर। और एक बार फिर हम सभी टीम्स को ये याद दिला दें कि ये राउंड है बजर राउंड और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले बजर प्रेस करेगी उसे ही मौका दिया जाएगा जवाब देने का। अगर बजर प्रेस करने के बाद आप देते हैं गलत जवाब तो आपके टोटल पॉइंट्स में से हो जाएंगे -50। तो आप सभी को ये हमने एक बार फिर याद दिला दिया है, सभी लोग अपने बजर्स के साथ रेडी रहें। तो क्या आप लोग तैयार हैं? राउंड फोर का पहला सवाल है, बरेली की बर्फी मूवी में लीड एक्टर का नाम बताएं। तो बजर प्रेस किया है टीम सी ने, टीम सी का जवाब देखते हैं। आयुष्मान खुराना। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके टीम सी। सभी लोग रेडी रहे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनूनियत फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम बताना है। कोई टीम बजर प्रेस नहीं करना चाहेगी। जुनूनियत की लीड एक्ट्रेस हैं यामी गौतम। और इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, शाहिद, आलिया और दिलजीत दोसांझ किस मूवी में एक साथ नजर आए? और अब एक बार चलते हैं हम ऑडियंस के पास, लेट्स फाइंड आउट ऑडियंस में कोई है कि नहीं। आपका नाम? सौरभ शर्मा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं प्लस टू। बताइए इसका सही जवाब क्या है? उड़ता पंजाब। राइट आंसर, जोरदार तालियां आपके लिए। और अब इस राउंड का जो अगला सवाल है वो बेस्ड है एक पिक्चर पर। आइए सबसे पहले पिक्चर दिखाते हैं आपको, सवाल उसके बाद। आपने बताना है कि ये जो इमेज है वो किन सेलिब्रिटी की है। टीम बी ने बजर प्रेस किया है तो मौका जाता है टीम बी के पास। टीम बी, संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता राइट आंसर नहीं है टीम बी, और आपने किया -50। इनका नाम है संजीव कपूर। और इसी के साथ इस राउंड का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है एक ऑडियो क्लिप पर बेस्ड। सबसे पहले आपको सुनवाई जाएगी एक ऑडियो और उसके बाद सवाल पूछेंगे आपसे। मैं, मेरे एक दोस्त हुआ करते थे शशिलाल नायर, उनसे मैं पूछता था यार माचिस, ऐसे माचिस होते तो दुनिया जला देता यार। तो मेरा वो हाल हो चुका है इस वक्त कि मुझे ये भी नहीं मालूम होगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मैं कुछ सुपर हीरो टाइप ही हो चुका हूँ कि बस उड़ता हूँ और कहीं पहुंच जाता हूँ, कुछ वहां पर कोई प्रोडक्शन की हैसल सॉल्व करके फिर वहां से निकल जाता हूँ दूसरे की। हाँ, बाकी सब कुछ है मेरे पास, बस वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं छुट्टी ले लेता। तो ये था ऑडियो क्लिप। सवाल, आप सभी ने बजर्स के साथ रेडी रहना है, ये आवाज किस सेक्टर की थी? टीम ए ने बजर प्रेस किया है तो टीम ए को जाता है मौका जवाब देने का। शाहरुख खान। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके टीम ए। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है एक वीडियो क्लिप पर, आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, सवाल उसके बाद। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है एक वीडियो क्लिप पर, आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, सवाल उसके बाद।
ये था वीडियो क्लिप। सवाल है, ये वीडियो क्लिप किस मूवी से है? बजर प्रेस किया है टीम सी ने, तो मौका जाता है टीम सी के पास। अक्टूबर। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके टीम सी। इसी के साथ डीडी क्विज शो के फिलहाल सभी राउंड्स खत्म होते हैं। और क्या है हमारे फाइनल स्कोर्स, एक बार आइए नजर डालें उन पर। थर्ड पोजीशन पर है टीम ए 300 पॉइंट्स के साथ। टीम सी है सेकंड पोजीशन पर 500 पॉइंट्स के साथ। और आज की विनर टीम है टीम बी 750 पॉइंट्स के साथ। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी यहां पर आए, आपने इस शो पर पार्टिसिपेट किया, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। खैर, कैसा लगता है आपको हमारा शो, आप हमें जरूर बताइएगा हमारे मेल आईडी पर, जो है drquizshow@gmail.com। एक बार फिर आपको याद दिलाएं कि ये शो आप देख सकते हैं हर सोमवार शाम 6 बजे दूरदर्शन शिमला पर, और इसका पुनः प्रसारण वीरवार 3:30 पर। अगर आप ये शो मिस कर जाते हैं दूरदर्शन शिमला पर, तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप इस शो को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। और आज का शो सर्च करने के लिए, देखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सर्च कीजिएगा डीडी क्विज शो 22 यानी 22। जी हाँ, 22वां है आज का हमारा एपिसोड नंबर। भूले नहीं, देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, हमें अपना फीडबैक जरूर दें आप। खैर, एक बार फिर नए सवाल और नई टीम्स के साथ हाजिर होंगे हम डीडी क्विज शो में। फिलहाल आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।